स्मार्ट न्यूज चैनल जनहित लोकहित में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 का जो कानून जो बना हुआ है, जो आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इस पर इसके बारे में हम बता रहे हैं कि भारत गणराज्य के 67 वर्ष के बिहार राज्य विधान ये मंडल के द्वारा जो पारित किया गया, इसमें कुल 11 अध्याय है, यानी कि इस अधिनियम में 11 अध्याय है और कुल 11 अध्याय में अगर आप अध्याय 8 के धारा 73 से 91 तक के इसमें अपराध को पता लगाना है, इन्वेस्टिगेशन करना है और ट्रायल कोर्ट का जिक्र है। अगर धारा 73 से 82 तक का जो है ये है स्पष्ट पुलिस एक्साइज का एक्शन का इसमें डिटेल दिया हुआ है, और जो भी धारा 83 से धारा 91 तक ये कोर्ट का जुडिशन है, जो कोर्ट को ट्रायल से लेकर जो प्रक्रिया की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस एक्ट में जो धारा 96 में एक इतना बंधित कर दिया गया कि कोई भी इस केस से संलिप्त 438 सीआरपीसी का लाभ नहीं ले सकते हैं, न ही न्यायालय के द्वारा या न्यायालय के मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित किसी अधिकारी के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकते हैं, जो एक अच्छा निर्णय था, जिसके बिल्कुल उत्पादन कहा जाएगा नीतीश कुमार जी का था, जिसे लुक स्मार्ट चैनल हमने डिटेल रूप से आपको समझाया। अब जो अभी वर्तमान समय में जातीय राजनीतिक या जो भी आड़ों में जो अभी जदयू बीजेपी में जो बाढ़ थी, जो तालमेल तकरार जो चल रही है, हम बताते चलते हैं कि एडवांस कि एक धारा 37 जो इसमें है कि धारा 37 का उल्लेख है कि शराब को उपभोग करने की शक्ति, जिसका सजा 5 साल या से 7 साल तक है, या शराब पीने में उकसाने वाले जो होते हैं ऐसे लोगों की सजा आपको एवोक सजा भी देने का प्रावधान है इसमें, और जुर्माना राशि 1 लाख से 10 लाख है। हो सकता है कि बिहार सरकार धारा 37 को बदलने के अब उनकी एक जवाबदेही बन रही है, क्योंकि चारों तरफ से चौतरफा उन पर जो मार पड़ रही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी धारा 37 को संशोधन कर सकते हैं, यानी जो पीने वाले को उनको अब जेल नहीं भेजा जाएगा, अगर वो फाइन देते हैं तो उनको थाना से छोड़ दिया जाएगा और जेल नहीं जाएंगे, अगर फाइन नहीं देते तो जेल जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टू बी ऑन लॉ पर लगातार बने रहेंगे। जय हिंद।